दी अर्ली मॉर्निंग साढ़े कंट्रोल रूम से एक इतलाह मिली सी कि कुछ बंदे है जेडे जी बठिंडे तो बरनला रोड हैगी है वो लुट्टा खोह करते हैं और किसी एक बंदे को उन्होंने खो कर की कोशिश की जिद सिलसिले पुलिस पार्टिया ने वक् थावान से नाकेबंदी की सी थाना कैंट जी पुलिस पार्टी सी उन्होंने थाना कैंट के जस्ट अपोजिट जो हाईवे है उ अपनी नाकेबंदी की नाकाबंदी दौरान उन्होंने रोक करके पूछगिछ की गई। पूछगिछ दौरान वो उन्होंने गड्डी भजाने की जो कोशिश की उस वेले जो थानेदार संतरी सीगा वो उत्थे मौके पर आ गया और वह वैपन जोड़ा हैगा वो मौके पर ही गड्डी के नाल जोड़ा हैगा जो इतलाह सानू शुरू मिली सी स्नैचिंग की सी गड्डी वालों जोड़ा हैगा वो वैपन स्नैच कर लिया गया और वो बंदे मौके तो फरार हो गए थे। गड्डी का नंबर सीगा HR 51AQ 1696 स्कोडा गड्डी सी काले कलर की। यदी जो आप अगली इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन दौरान असी जे बंदे गड्डी सके उस समय उन्होंने वक्त वक्त समय से गिरफ्त वक्त वक्त थावान तो गिरफ्तार किया गया जिसे तीन बंदे आप दिल्ली तो राउंडअप किए थे जिहड़े सीगे विवेक कुमार उर्फ चोचा हनी सिंह उर्फ बब्बू ते सुरजीत सिंह उर्फ सोनू यह तिना दिल्ली विच जिहड़ी दिल्ली पुलिस पार्टी के नाल मदद के नाल आप गिरफ़्तार किया सीगा। फिर बाकी के जिहड़े दो बंदे सीगे हरमनप्रीत सिंह ते विशाल उर्फ लाला इन्हां नूं वखरे तौर पर गिरफ़्तार किया गया। इन्हां दे कोलों कुल तीन वैपन ते 33 जिहड़े जिंदा राउंड सानू बरामद होए ने और इस तो इलावा जिहड़ी जिहड़ी वारदात दौरान वरती गई सी कार सीगी वह भी बरामद की गई। बट जिहड़ा साडा वैपन सीगा SLR जिहड़ी कि संतरी कोलों खोई गई सी उहदा सुराग इन्हां दे कोलों नहीं मिल पाया। इस सिलसिले च साडी जिहड़ी टीम हैगी है CIA 1-2 स्पेशल स्टाफ कोतवाली थाने की जिहड़ी टीम हैगी कैंट थाने और सिविल लाइन थाने की टीम सारे ने मिल के रल के टीम दे हार काम करके काफ़ी चंगी डूंघाई दे नाल टैक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जिदे च सानू पता लग गया कि जिहड़ा राइफल हैगी है यह वारदात दौरान गड्डी दे विच लग गई सी और अगे जा करके डिग गई जिन्हों अमर उर्फ झंडी करके एक बंदा है रहने वाला बसंत विहार का उन्हें चुक लिया और अपने को ले जा करके रख लिया जिन्हें क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की प्रॉपर्टी की उद्दे वक्रे तौर पर एक परचा आप दर्ज किया है और एक कला बंदा है फरीदनगर बठिंडे का रहने वाला यह आपस रल के अगे वेचन की कोशिश कर रहे थे उन्होंने अजे गिरफ़्तार करना बाकी है। देखो जी ये सब तो पहली चीज़ हैगी है कि बिना ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के कोई भी तफ्तीश नहीं होती है। इट इज़ ए टाइम इमेमोरियल टेक्नोलॉजी जी आप लगातार किसी समय CDR रही होगी किसी समय तो होर कोई चीज़ रही होनी है अज के हिसाब से CCTV कैमराज वगैरह है। बाकी इस तो इलावा होर भी चीज़ा सगिया जी मैं इतने सारे नाल शेयर नहीं कर सकता बिकॉज साडा ट्रेट है अगर यह चीज़ बाहर चली जाऊगी तो जो शरारती अंसर है उन्होंने उस चीज़ को कवर अप करने आसानी हो जाती हैगी है। सारी टीम ने बहुत ही चंगे तरीके दे नाल काम किया है साडे ह्यूमन इंटेलिजेंस सोर्सेज ने भी चंगा काम किया है और इसे दे बदौलत जिहड़ा है वैपन जिहड़ा मौके वारदात तो गायब होया सी वो आपां रिकवर कर लिया है। पांच बंदे सीगे उहदे च गड्डी च कार दे विच। हाँ जी मौके पर इंसीडेंट होंगे है इंसीडेंट होने तो बाद इन्हों की गड्डी की अगे एक्सी जा करके एक थान पर वज जाते हैं उत्थे गड्डी का टायर जोड़ा है बर्स्ट हो जाता है उस तो बाद गड्डी है कितने पार्क कर देंगे ने और वक्रे वक्रे हो करके बिकॉज पुलिस पार्टियां भी लगातार बाहर सगिया जिस तरह 3 बजे का इंसीडेंट सगा 3:30 साढ़े 3 बजे के करीब साढ़े को भी इनफॉर्मेशन सारे को आ गई सी साढ़े जिनी भी टीम इतने बैठी है सारे उस टाइम तो बाहर से और साडा मेन मकसद सीगा बंदियां नूं जल्दी तो जल्दी रंगे हाथी फड़िया जाए और उस सिलसिले में काम करदिया होया जिहड़ा हैगा सानू इतलाह मिली कि यह बंदे दिल्ली वल नूं भज्जे हैगे ने तो उस सिलसिले असी दिल्ली की जिहड़ी पुलिस पार्टी है जिहड़ी RPF की पुलिस पार्टी हैगी है उन्हां नाल राबता कीता और इन्हां नूं दिल्ली रेलवे स्टेशन तो गिरफ्तार किया। देखो फरदर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है इस बारे में अजे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा तो जिहड़े बंदे आप गिरफ़्तार किए गए उन्होंने बारे तो प्रेस नोट भी जारी करता है तुम देख करके फाइंड आउट कर सकते हो कि बंदा किस चीज़ नाल रिलेटेड है। पंजे रिलेटेड है बठिंडे तो पंजे क्यों सत्ते बंदे जो है नहीं जिहड़े भी वैपन रिकवर हुए हैं एक्सैप्ट SLR सारे वैपन इलीगल है SLR का वैपन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हैगी है और वो वक्रे तौर पर जो है रिकवर कराई हुई है।
इन्हां लोकां ते बहुत सारे परचे दर्ज हैगे ने पहलां भी। जिहड़ा विशाल लाला हैगा इहदे ते चार परचे दर्ज हैगे ने, जिहदे च 308 दा एन डी पी एस एक्ट दा और 458 दा परचा दर्ज है। विवेक उर्फ चोचा जिहड़ा हैगा इहदे ते भी 308, 458, 452 कुटमार दे काफ़ी परचे इन्हां ते दर्ज हैगे ने। हनी उर्फ बब्बू जिहड़ा हैगा इहदे ते भी एन डी पी एस एक्ट 458 दा परचा दे केसवार हैगे ने तिन्ने। सुरजीत सिंह ते कोई परचा नहीं हैगा। हरमनप्रीत सिंह ते जिहड़ा हैगा 269 दा एक्सीडेंट दा एक परचा पहलां दर्ज हैगा। उन्हें इस वेले तक 6 गिरफ्तारियां हो गई है, दे जिहदे एक बंदा काला है जो गिरफ्तार करना रहिंदा है। हाँ जी, नहीं हजे बेचनी सीगी है। काला ते जिहड़ा है बंदा आपां गिरफ्तार किया हैगा, इन्हां लोकां ने मिल करके अगे सलाह बनाई सीगी कि इहनूं बेचणगे। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी हैगी है, जो भी अग्गे होगा तुहानूं उस बारे दस्सांगे। वारदात करन दी कोशिश कीती सी इन्हां ने, उसे सिलसिले विच ही साडी नाकेबंदी जिहड़ी हैगी एक्टिवेट होई सीगी। सानू कंट्रोल गल इनफॉर्मेशन सानू भी यही आई सी कि गोलियां चलाईयां ने, बट जो बाद जो बंदियां दी पुछगिछ कीती तां उहनां ने दस्सिया कि इन्हां ने वैपन दिखा करके खोह करन दी कोशिश कीती सीगी, जिहदे विच नाकाम रहे। गड्डी रोकी नहीं अगले बंदियां ने, उन्हां नूं लग्गिया शक हो गया कि इह बंदे जिहड़े हैगे ने माड़े हैगे ने, उहनां गड्डी नहीं रोकी और उहनां ने इतलाह जिहड़ी हैगी उह पुलिस नूं देती, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀ ਟੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚਤੀ, 4-5 ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਓਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚਾਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਚੀਏ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਈਏ। ਜੰਗ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ।